जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एक्सप्लोर टेक्नोलॉजी चैनल की जानिब से हम मशीनों के बारे में जो उनके मसले मसाइल आते हैं, फॉल्ट आते हैं, उनके बारे में हम आप सब लोगों को बताते रहते हैं। तो अभी मेरे एक दोस्त के साथ ये मसला हुआ है कि उसको फेक कॉल आई है कि आपके एहसास कोड में आपके 12,000 रुपये आए हुए हैं, आपके पास एक कोड है वो हमें कोड दीजिए। उसके पीछे क्या था कि वो लोग कॉल करते हैं, आजकल लोग एक्टिव हुए बड़े बड़े, तो वो क्या करते हैं कि किसी को भी फेक कॉल कर देते हैं इंटरनेट से नंबर परचेज करके। तो वो कहते हैं कि जी आपके एहसास कोड में आपके 12,000 रुपये आए हैं, तो हमें आपके पास हम कोड भेज रहे हैं, वो हमें कोड बताएं तो आप उसको लेने के आए होंगे जाएंगे। जब वो बंदा हमको कोड बता देते हैं तो वो क्या करते हैं कि उसके नंबर पे वही व्हाट्सअप अपने पास एक्टिव कर लेते हैं और उसी व्हाट्सअप पे अल्लाह जाने वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों के पास गंदे मैसेजेस करते हैं, क्या करते हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, इसके बारे में नहीं पता। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपको कोई भी फेक कॉल आए कि आपके 12,000 रुपए आए हुए हैं या कुछ भी आया हुआ है, तो आप काइंडली से इतना क्या करें कि मैसेज को गौर से पढ़ लिया करें कि मैसेज में है क्या, मैसेज किस बारे में है और उसमें कोड किस चीज़ का आया हुआ है। जो लोग हमारे भाई जो कम पढ़े लिखे हैं या जो 12,000 उनका एकदम खुश हो जाते हैं कि 12,000 हमारे आ गए, तो उनके साथ अक्सर ही मसला पेश आता है। तो कोई भी आपको फेक ख्याल आए, कोई मैसेज आए, तो पहले आपने उस चीज़ की तसल्ली करनी है, तस्दीक करनी है कि वाकई ये इसी चीज़ का मैसेज है या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके 12,000 रुपए आते हैं सास प्रोग्राम की, तो आपको मैसेज आएगा बकायदा, कोई फेक कॉल वगैरह नहीं आएगी कि आप हमें हम आपके पास कोड भेज रहे हैं, आप हमें बताएं तो आपको पैसे भेजेंगे, ये सब फ्रॉड है, सब झूठे हैं, मेहरबानी करें इससे बचें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वो भी बचें। और खुदा न खासा कोई जानी हमारी नुकसान इस हवाले से आप लोगों को फेक कॉल वगैरह आती हैं। तो दूसरा आपने ये करना है कि अगर कोई भी आपको फेक कॉल आए या मैसेज आए तो उसका आपने रिप्लाई नहीं करना, किसी को भी कोई पासवर्ड नहीं बताना। और अगर आपके साथ ऐसा कोई मसला हो जाता है, आपका व्हाट्सअप हैक हो जाता है, तो वो कोशिश करते हैं कि आप व्हाट्सअप रिकवर ना करें। उसको रिकवर करने का एक मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप करें तो इंशाल्लाह आपका वो हो जाएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने मोबाइल से व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपने अपने मोबाइल को बंद करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अपने मोबाइल को बंद रखना है। बंद रखने के बाद आपने अपने मोबाइल को ऑन करना है, ऑन करने के बाद उसमें व्हाट्सअप इंस्टॉल करना है। जब व्हाट्सअप आप लोगों का इंस्टॉल हो जाए तो आपने क्या करना है कि व्हाट्सअप में अपना अकाउंट बनाना है भाई, तो दोबारा आपको मैसेज आएगा व्हाट्सअप की तरफ से वेरीफाई का, जो वेरीफाई का मैसेज है वो तकरीबन आपको आएगा 1 मिनट 2 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा, किसी बंदे ने ज़्यादा बार किया होता है तो उसको आता है कि 10 मिनट 15 मिनट या किसी को 12 घंटे 24 घंटे का टाइम भी देते हैं। वो टाइम क्यों देते हैं कि जब आपका व्हाट्सअप हैक हुआ होता है तो आप व्हाट्सअप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल नहीं करते, पहला ऑन ऑफ नहीं करते, तो आपका व्हाट्सअप हैक हुआ तो आपने उसी वक्त दोबारा फिर बनाना शुरू कर दिया, तो वो कहते हैं कि जी ये फेक है, तो बंदा जो है तो नौकरी कर रहे हैं, इस वजह से वो कोड नहीं भेजते और टाइम दे देते हैं। तो आपने क्या करना है कि अगर इस तरह का कोई मसला हो जाए तो आप उन्हें पहले अपना व्हाट्सअप अनइंस्टॉल करना है, मोबाइल को 1 से 2 मिनट के लिए बंद रख देना है, फिर आपने दोबारा मोबाइल ऑन करना है, मोबाइल ऑन करने के बाद आपने फिर उसमें व्हाट्सअप इंस्टॉल करना है। व्हाट्सअप इंस्टॉल जब आप करेंगे तो अकाउंट बनेगा। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि इंस्टॉल करके भी व्हाट्सअप इंस्टॉल करते हैं, मोबाइल को ऑन ऑफ करके भी इंस्टॉल करते हैं, लेकिन फिर भी व्हाट्सअप उनका रिकवर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कोई सिक्योरिटी वगैरह का या कोई इस तरह का कोई सिस्टम किया होता है कि आपके पास वो मैसेजेस नहीं आते। तो आपने सिंपली करना क्या है कि आपने उसी व्हाट्सअप जहाँ से डाउनलोड करते हैं वहाँ पर जाएँ रिपोर्ट के ऑप्शन में, तो आप व्हाट्सएप पे रिपोर्ट करें, व्हाट्सएप वालों को लिखें कि हमारा व्हाट्सएप जो है वो हैक हो गया, आप मेहरबानी करके हमें दोबारा वेरिफिकेशन कोड भेजें। तो आप दोबारा जब उनको रिपोर्ट कर देंगे तो रिपोर्ट करने के 2 या 3 मिनट या 4 मिनट के बाद आप दोबारा व्हाट्सएप खोलेंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो वो आपको वेरिफिकेशन मैसेज भेजेंगे। दूसरा, इसके बाद जिन लोगों का व्हाट्सएप बैन हो जाता है तो उनको चाहिए कि जिन लोगों का व्हाट्सएप बैन हो गया है वो व्हाट्सएप को रिपोर्ट में लिखे कि हमारा व्हाट्सएप हैक हुआ था, जिसकी वजह से बार बार वेरिफिकेशन आई तो हमारा जो व्हाट्सएप है वो बैन हो गया है। तो व्हाट्सएप वाले वो आपका बैन जो हुआ पड़ा होगा व्हाट्सएप, वो उसको खोल देंगे और उसका दौरान या तकरीबन आपको रिपोर्ट करने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपका मसला हो जाएगा। अगर फिर भी कोई बात आप लोगों को समझ ना आए, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, तो आप हमसे YouTube पर रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे।